अधिकारियों ने हमारे को गुमराह किया है कि उसमें उनको 3% को जो वे ओआरओपी का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, हमारे नीचे वाले रैंक को किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। हमारे नीचे कितनी लंबी रात हो लेकिन दिन तो आएगा, दिन कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन रात बहुत लंबी हो गई है। रात लंबी इतनी हो गई है कि 5-6 महीने की रात हो गई है, अभी भी ओआरओपी 2 पर धरना लगातार कायम है। कोई भी सरकार की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली है। पंजाब की टीम है, पटियाला की टीम है, पूर्व सैनिक मोर्चे पे डटे हुए, लेकिन इन्होंने भी कहा है कि रात अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज निकलेगा, भोर में सूरज निकलेगा, और जब तक सूरज नहीं निकलेगा ये मोर्चे पे डटे रहेंगे। सर कितनी उम्र है आपकी? मेरी 77। 77 साल में, 1977 का मेरा जन्म, लेकिन 77 साल आपकी उम्र, इतनी उम्र के बाद भी ये जोश और जज्बा कायम है, क्या कहेंगे? मैं पटियाला से कैप्टन सुरमुख सिंह बोल रहा हूँ। मैं अपने एसोसिएशन का प्रधान हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को जो कि हम अभी तक प्रदर्शन कर चुके हैं, इनको पहले हम अपने अपने स्टेट में मेमोरेंडम दे चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट को, एसडीएम सबको। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर रैली हुआ था 23 तारीख को, उसमें भी हमने यही हमारी मांगे हैं कि जो के हमारे अधिकारी हैं वो हम 100% में से 3% अधिकारी हैं, 97% हम हैं। लेकिन जो यहाँ पर पहले हमारा ओआरओपी के लिए पहले इकट्ठ हुआ था जिसमें अधिकारी थे, अधिकारियों ने हमारे को गुमराह किया है कि उसमें उनको 3% को जो वे ओआरओपी का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। हमारे नीचे वाले रैंक को किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। हमारे नीचे वाले रैंक जो कि हर एक काम करते हैं, जैसे बॉर्डर पे ज़्यादातर ओआरओपी में इतना जवान ही काम करते हैं, उसमें जो कि ऑफिसर है वो पीछे होता है, वो तो सिर्फ एक हुक्म देते हैं। ऑफिसर सिर्फ हुक्म देते हैं, असली खतरा तो जवान उठाते हैं। एमएसपी की बात कर रहे हैं सर, जो है जो आपका रिस्क अलाउंस होता है या जो आपका जोखिम भत्ता होता है, उस पर भी गाज गिरी और जवानों को बहुत कम मिला, क्या कहेंगे? ऐसे दाग तो बहुत देर से आ रही थी, लेकिन वो थोड़ी गिरती थी ना, वो चलता आ रहा था। फर्स्ट में हमारा इन्होंने ऐसा कभी नहीं होगा आपको जो किसी को दे के लिया जाए। हमारे को जो दिया था 70%, 100 में से 70% हमारी पेंशन थी, इन्होंने वो कटवा के 50% कर दी थी। हमारी उस टाइम 73 में ये पहले ग्रुपों में ही इन्होंने हमारे को नीचे ले आया था, और लोगों ने फिर भी सब्र कर लिया था। फिर इन्होंने जैसे जैसे आते रहे, चलते रहे, थोड़ा थोड़ा लेते रहे। अभी जो ये अभी होया, अभी तो इन्होंने सिरे ही लगा दिया, सब कुछ ही लेके चले गए, और नीचे वाले को कुछ नहीं मिला, और बहुत बड़ा धोखा है। और इस धोखे से हमारे को जाग खुली, अभी हम स्टैंड हुए, फिर हमने स्टैंड लिया, और ये सरकार इस पे गौर कर लेगी, अच्छी बात है। नहीं, हमारे देश में फर्क पड़ता जाएगा आपस में, जो कुछ ना कुछ दूरी होती जाएगी आपस में, और फौज दूरी के लिए बहुत नुकसानदायक था, और इस पे गौर कराया जाए, सोचा जाए, और सोच के इसको पूरी तनदेही और अच्छी सोच से लेके इसको सुनिया जाए और इसको लागू कराया जाए। क्या ये जो कह रहे हैं कि जिस तरह से मन लोगों के मनों में खटास आ रही है, फौजियों के दिमाग के अंदर ऐसा लग रहा है कि गलत मैसेज जा रहा है, लगातार आंदोलन हो रहा है, तो क्या सरकार को ये जिम्मेवारी नहीं उठानी चाहिए कि जो गलत मैसेज जा रहा है, जो मनोबल पे फर्क पड़ रहा है उनके, कि सरकार नहीं सुनती है, फौजियों का ख्याल नहीं रखती है, और बड़े बड़े सीनियर लोग, पूर्व सैनिक 75 साल के, 77 साल के, 90 साल के, प्रगट सिंह जी 95 साल के, ऐसे लोग जब खड़े हो रहे हैं तो सर, और कारगिल के युद्ध में लड़ने वाले ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, तो सरकार सुन क्यों नहीं रही है? और सरकार जब कहते हैं कि फौज का तो बहुत ध्यान रखती है, देखिए सरकारों को हर हालत में सुनना चाहिए, अगर नहीं सुनते तो ये देश का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि ये काले दिन ऐसे बार बार आते रहेंगे और देश का कुछ नहीं। सैनिकों के साथ अगर इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है, जो देश की रक्षा करता है, दिन रात चौकसी बरतता है, जिसकी वजह से पूरा देश आराम की नींद सोता है,
उसको अगर आप सड़कों के ऊपर ला रहे हो और अपनी ड्यूटी करने के बाद, सख्त से सख्त ड्यूटी करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद उन्होंने अपना हक कमाया, और जब हक देने की बारी आई तो सरकार उससे भाग रही है। मेरा सरकार तो कहती है कि हमने हक दिया, जो एबनॉर्मलिटीज आई हैं, जो विसंगतियां आई, वो तो अलग विषय है, क्योंकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अफसरों ने हक मार लिया। देखो, विसंगतियां आई हैं तो विसंगतियों को कौन दूर करेगा? सरकार दूर करेगी, कमेटी दूर करेगी, उसका कोई तरीका अपनाइए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर जजों की हम कमेटी की मांग करते हैं, वो कमेटी बनाइए और निश्चित समय पर रिपोर्ट दे, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कोई शुभ संकेत मिलता है क्या अभी आपको? कोई खबर मिली हो, कुछ मिला हो, कोई ऐसी न्यूज हो, कोई ऐसा अच्छी खबर हो जो सरकार की तरफ से आई हो कुछ? हमारे लीडरों से तो अभी थोड़ा कुछ नहीं मिला है, पर लेकिन सुनने में आया जो मतलब कहना राजनाथ साहब हैं, मतलब इसके सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विश्वास दिया भी मैं संसद में रखूंगा, पॉइंट रखूंगा, वो भी ये दिया। देखिए, ये पूर्व सैनिक हैं और ये पूरी तरह से आश्वासित हैं कि इनकी बात संसद में उठाई जाएगी, वो मानसून सत्र में उठाई जाए, कब उठाई जाए ये जल्दी में नहीं है। ये कह रहे हैं आप कमेटी बनाओ, 3 जजों की कमेटी बनाओ, कम से कम प्रक्रिया शुरू करो, जो गलतियां हुई हैं, जो विसंगतियां हुई हैं उनको देखो, आइडेंटिफाई करो, अगर नहीं हुई हैं तो ये स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हुई हैं तो उन्हें दूर किया जाए। इतनी छोटी सी मांग है और मुझे लगता है सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, इनकी मांगों पे ध्यान देना चाहिए। और कमेटी बनाने में हर्ज क्या है? अगर कोई विसंगति नहीं हुई है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, विसंगतियों पे कमेटी बननी चाहिए, 3 जजों की कमेटी बननी चाहिए? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनु सुराजी, जय हिंद, जय भारत।